हाँ तो प्रिय साथियों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम भाषा विज्ञान के डिस्क्रिप्टिव क्लास पर बातचीत करेंगे। राइट नाउ, राइट सर, आज हमारी स्क्रीन पर भाषा विज्ञान है, यानी हम एक लैंग्विस्टिक बन के यहाँ पर बातचीत करनी। लैंग्विस्टिक बोले तो भाषा वैज्ञानिक, लैंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। हमें वहाँ तक जाना है जहाँ तक हमारे सामने हिंदी नहीं आ जाए, यानी उस कालक्रम को पार करते करते उस फलक तक हमें पहुँचना है जहाँ हमें हिंदी दिखाई दे दे। जैसे आप कहीं पैदल यात्रा करते हैं, कोई तीर्थ यात्रा करते हैं, तो आपको किसी तीर्थ स्थान का जब ध्वज या शिखर दिखाई देने लगे तब आप काफ़ी आसान्वित हो जाते हैं। और वो दिखने का ही मकसद नहीं होता, उसके दिखने के बाद उस गुंबद शिखर या ध्वज के दिखने के बाद भी उस मंदिर के बारे में भी आपको बातचीत करनी होती है। वहाँ पर आपको धोक जात इत्यादि लगानी होती है, प्रसाद इत्यादि। तो वो बात तो हम तब करेंगे जब हमें हिंदी भाषा दिखाई देगी। प्रिय साथियों, हाँ सर, जिस प्रकार आप ये समझते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य अलग होता है और भाषा अलग होता है, मैटर ही अलग है। दूसरी बात, साहित्य का कालखंड बदल जाता है तो ये जरूरी नहीं कि भाषा का कालखंड भी बदल जाए। भाषा का कालखंड अलग होता है और साहित्य का कालखंड अलग होता है। हिंदी के विद्यार्थी अमूमन इतना जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा वो साधन है जिसमें वो इतिहास लिखा गया, वो साहित्य लिखा गया। आपकी भाषा ब्रज से बदलकर खड़ी बोली हो गई या राजस्थानी से बदलकर खड़ी बोली हो गई, लेकिन लिपि वही की वही रही, लिपि नहीं बदली। इसका मतलब लिपि अलग मैटर है, भाषा अलग मैटर है और साहित्य अलग वस्तु है। इनकी कथा वस्तु में, इनकी स्क्रिप्ट में ही मेजर डिफरेंस बिटवीन द लिटरेचर एंड लैंग्वेज। बात पर गौर करेंगे, हिंदी के विद्यार्थी अमूमन इस बात का तसरुफ रखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल नहीं। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे जिस प्रकार आचार्य शुक्ल के इतिहास को मानक इतिहास की संज्ञा प्राप्त हुई, उसी प्रकार हिंदी भाषा के विकास का इतिहास अगर मानक किताब किसी ने लिखी जिसे मानक की संज्ञा प्राप्त हुई तो वो हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। यहाँ पर उत्तर आचार्य शुक्ल नहीं होगा। बात पर बासाख्ता गौर करेंगे, हिंदी साहित्य का नहीं, हिंदी भाषा के विकास का इतिहास, हिंदी भाषा के विकास का इतिहास, साहित्य का नहीं, हिंदी भाषा के विकास का इतिहास मानक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा एक लैंग्विस्टिक हैं और आपके सामने भी एक भाषा वैज्ञानिक इस समय आपसे रूबरू हो रहा है। याद रखिए, रूबरू में दोनों ही रू बड़े आते हैं। ये PGT में पूछा गया था, ये रू भी बढ़ाएगा और ये रू भी बढ़ाएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द छोटा रू एंड बड़ा रू? ये रू छोटा है, जब ये मात्रा यहाँ से घूम जाएगी तब ये बड़ा हो जाएगा। कई लोग गुरु नाम से कोचिंग खोल लेते हैं और गुरु को ऐसे लिख देते हैं, ये पेवरली गलत है, वो क्या खाक पढ़ाएंगे। गुरु में रू छोटा आता है, गुरु में रू छोटा आता है, रुपया में भी रू छोटा आता है, लेकिन रूप में रू बड़ा आता है। रूप होता ही बड़ा है दोस्तों, है ना। डॉक्टर धीरेन्द्र में गुण संधि है, धीर प्लस इंदर, धीर में ए प्लस ई बराबर ए, धीर प्लस इंदर बोले तो धीरेन्द्र। और धीर में अगर आप ये प्रत्यय प्रयोगित कर देंगे
तो जिस अल्फाज की निर्मिति होगी दैट इज कॉल्ड धैर्य, पेशेंस। प्रत्यु का राजा है ये, यू हैव ग्रेट पेशेंस फॉर ग्रेट अचीवमेंट, यू हैव ग्रेट पेशेंस फॉर ग्रेट अचीवमेंट्स। उतावलापन ठीक नहीं है। आप राजनीति में भी ऐसे देख सकते हैं, जिस व्यक्ति को बहुत आगे जाना होता है उसे एक पेशेंस रखना होता है। कई मर्तबा राजनीति में मैं लोगों से सुनता हूं कि उस व्यक्ति को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए, तो आपको ये नहीं पता एक ग्रेट पेशेंस रखना होता है आगे जाने के लिए, बहुत ज़रूरी है। तो आप भी मेरी बात सुनने के लिए ग्रेट पेशेंस रखें। डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा के बारे में आप क्या जानते हैं? सर धीरेंद्र तो धीरेंद्र है, ऐसा नहीं है। पहली बात, ये एक प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक है, इनकी गिनती किस में होती है? भाषा वैज्ञानिकों में। दूसरी बात, डॉक्टर धर्मवीर भारती को पीएचडी कराने वाले डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा ही हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती को पीएचडी कराने वाले विद्वान डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा हैं। आपको याद रह जाएगा धै धीरेंद्र वर्मा और धै धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने सिद्ध साहित्य पर पीएचडी किया था। सिद्ध कितने हुए? 84। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने सिद्ध साहित्य पर पीएचडी किया और किन के निर्देशन में पूरा किया? डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा के निर्देशन में पूरा किया। आप एक प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक हैं, लैंग्विस्टिक्स हैं आप, और इन्होंने ही हिंदी भाषा के विकास का जो इतिहास लिखा उसे मानक इतिहास की संज्ञा प्राप्त हुई। ओके दोस्तों, ओके सर। अब इसी के साथ मैं दूसरी बात इसलिए जोड़कर कर रहा हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास यानी हिंदी साहित्य के विकास का इतिहास ये लिखा था आचार्य शुक्ल ने, हिंदी साहित्य के विकास का इतिहास, जिसको बाद में किस नाम से छापा जाने लगा? हिंदी साहित्य का इतिहास। हालांकि इस किताब को उन्होंने पहली मर्तबा हिंदी साहित्य के विकास का इतिहास नाम से लिखा था, हिंदी साहित्य के विकास का इतिहास, तो ये मानक इतिहास आचार्य शुक्ल का है। फिर आते हैं अपन काव्य शास्त्र पर। हिंदी काव्य शास्त्र की बात करें या अकेले काव्य शास्त्र की बात कर लें, तो भारतीय एवं पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है वो डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने लिखा। किसने? भगीरथ मिश्र ने। अस्तु, भगीरथ मिश्र की गिनती काव्य शास्त्रियों के रूप, काव्य शास्त्री के रूप में होती है, इसलिए ये मानक काव्य शास्त्र का अपने आप में इतिहास है। और काव्य शास्त्र में पहला स्थान मानकता की दृष्टि से डॉक्टर भगीरथ मिश्र का आता है। ये अलग अलग फैक्टर्स हैं, अलग अलग फाइल्स हैं। जहाँ तक आप व्याकरण की बातचीत करें तो आचार्य शुक्ल को उतना व्याकरण नहीं आता था, कवियों को भी व्याकरण नहीं आता था, और व्याकरण सबसे सामान्य चीज़ है। व्याकरण इसलिए सबसे सामान्य चीज़ है, अनपढ़ व्यक्ति भी भाषा बोलता है, अनपढ़ व्यक्ति भी, और उसी जगह पर कारक चिन्ह का प्रयोग करता है जहाँ पर पढ़े लिखे करते हैं। जैसे आप मम्मी से पूछोगे मम्मी क्या कर रही हो, बोली मैं रोटी बना रही हूँ, भाषा का सही प्रयोग किया है। इसलिए सामान्य से सामान्य स्तर है वो व्याकरण का होता है, अनपढ़ व्यक्ति भी इसका प्रयोग करता है। मानक हिंदी व्याकरण, जहाँ तक हिंदी की बात है, हिंदी का पहला व्याकरण, खड़ी बोली हिंदी का, खड़ी बोली हिंदी का पहला व्याकरण डच विद्वान जेसवा केटलर ने लिखा था। खड़ी बोली हिंदी का पहला व्याकरण डच भाषा के विद्वान जेसुआ केटलर ने लिखा था। चूँकि ये विदेशी विद्वान थे, कार्य की शुरुआत कर दी। पहला पत्थर जो मारता है ना दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए पहला पत्थर मार दिया किसने? जेसुआ केटलर ने। बाद में कई व्याकरण लिखे गए, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले थे डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु, उन्होंने लिखा मानक हिंदी व्याकरण, और सभी लोगों ने इसको मान्यता प्रदान की। मानक हिंदी व्याकरण के लेखक डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु, सागर मध्य प्रदेश। सागर एक जिला है किसका? मध्य प्रदेश का। एक मैडम से ग्यारहवीं क्लास में एक मैडम से किसी छात्रा ने पूछा
मैडम डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु का जन्म सागर में हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था। तो चूंकि मैडम को कुछ आता जाता नहीं था तो कहने लगी, इनके माता पिता यात्रा कर रहे थे, नाव में इनकी माता गर्भवती थी इसलिए सागर में इनका जन्म हो गया। ऐसे ऐसे बावड़े बावड़े लोग हिंदी पढ़ाते हैं। बावड़े लोगों की कोई कमी नहीं है। राइट नाउ, राइट सर, सागर मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए मानक हिंदी व्याकरण लिखा डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने। किसने? डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने। तो किसी भी भाषा, किसी भी साहित्य और किसी भी काव्य शास्त्र अथवा भाषा विज्ञान में चार फलक काम करते हैं, चार अलग अलग फील्ड हैं। मैं तो खैर चारों ही फील्ड पढ़ाता हूँ, इसलिए हिंदी भाषा के विकास का इतिहास डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा, हिंदी साहित्य के विकास का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, काव्य शास्त्र भारतीय पाश्चात्य डॉक्टर भगीरथ मिश्र, मैंने इसको भगीरथ कर दिया है, मानक हिंदी व्याकरण डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु सागर फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य में है जो प्रदेश, दैट इज कॉल्ड मध्य प्रदेश। कर्मधारय समास है, पहला पद विशेषता बता रहा है, मध्य में है जो प्रदेश दैट इज कॉल्ड मध्य प्रदेश, यानी विशेषण प्लस संज्ञा बराबर कर्मधारय। इतना आप याद रखिए, विशेषण प्लस संज्ञा बराबर कर्मधारय। आपसे पूछा जा सकता है कि किस समास का पहला पद विशेषण यानी एडजेक्टिव होता है और दूसरा पद संज्ञा यानी नाउन होता है, अर्थात एडजेक्टिव प्लस नाउन बराबर कर्मधारय। यानी पहला पद दूसरे पद की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। जैसे लाल टमाटर में लाल जो है विशेषता है, किसकी बता रहा है? टमाटर की। तो भारत के मध्य में है जो प्रदेश दैट इज कॉल्ड मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो जबलपुर शहर है वो भारत की भूमि का बीच रहा है। ओके दोस्तों, ओके सर, अब मैं आगे बढ़ूं। इस बेहतरीन भूमिका के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के विकास का इतिहास, यहाँ पर आपको रेखांकित दिखाई दे रही है कौन? हिंदी। लेकिन यहाँ तक आने के लिए हमें 3500 वर्षों का सफ़र तय करना होगा। यहाँ तक आने के लिए हमें दोस्तों कितने वर्षों का सफ़र तय करना होगा? 3500 वर्षों का सफ़र हमें तय करना होगा। राइट, राइट सर, हमें वैसे तो लगभग 5 और 7 टोटल, तो हमें 7000 वर्ष का सफ़र तय करना होगा, पर कम से कम हमें 3500 वर्षों की एक लंबी यात्रा करेंगे और उसके बाद मैं करवा दूंगा अभी आपको यात्रा, 3500 वर्ष की यात्रा करवा दूंगा, आप कर लीजिएगा यात्रा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, कोई ऐप के लिए होगा। हिंदी भाषा के विकास का इतिहास। प्रिय दोस्तों, अब खास बात पर मैं गौर कर रहा हूँ, जिस दिन महात्मा ईसा को सूली पर चढ़ाया गया, जिस दिन महात्मा ईसा को सूली पर चढ़ाया गया और उन्होंने कहा कि हे ईश्वर इन्हें माफ़ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, जिस दिन महात्मा ईसा को सूली पर चढ़ाया गया और वो देवलोक गमन कर गए, उस दिन को एक काउंट किया गया। उस दिन को कितना काउंट किया गया? एक काउंट किया गया। और आज महात्मा ईसा को सूली पर चढ़ाए हुए 2023वां वर्ष बीत चुका है, यानी 2023, जिस दिन महात्मा ईसा को सूली पर चढ़ाया गया उस दिन को एक काउंट किया गया, फिर 2, 3, 4, यानी 2023 साल पहले महात्मा ईसा को सूली पर चढ़ाया गया, फिर 2024 आ जाएगा, 2025, तो महात्मा ईसा की मृत्यु से लेकर अब तक कितने वर्ष का टाइम हो गया? लगभग 2023 वर्ष। राइट, क्या अब आप ये सोचिए, क्या महात्मा ईसा से पहले दुनिया नहीं थी? महात्मा ईसा से पहले बहुत अच्छी दुनिया थी। राइट,
महात्मा ईसा को एक मील का पत्थर मान लिया गया, वो भी भारत के द्वारा नहीं इंग्लैंड के द्वारा मान लिया गया। इंग्लैंड ने दुनिया पर राज किया 56 देशों में, इसलिए ईसवी सन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हो गया, क्योंकि 56 देशों पर राज किया समय समय पर इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने, इसलिए ईसवी सन को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया गया। यहाँ तक कि अमेरिका भी इंग्लैंड का गुलाम रहा और 10 अप्रैल 1776 को आज़ाद हुआ, इसलिए ईसवी सन को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मान लिया गया। भारत का ये वर्ष नहीं है, भारत में हम विक्रम संवत और शक संवत को ही मानते हैं, और जो मुस्लिम लोग होते हैं वो हिजरी संवत को मानते हैं, मुस्लिम लोग हिजरी संवत को मानते हैं, राइट। हम समय के मामले में अंग्रेजों से बहुत आगे हैं। भारत के प्रसिद्ध सम्राट विक्रम प्लस आदित्य, विक्रमादित्य की जब मृत्यु हुई, देवलोक को गए, उस दिन को हम एक काउंट किया गया, उसको कहते हैं विक्रम संवत। महाराजा विक्रमादित्य महात्मा ईसा से भी पहले हुए। सर, महात्मा ईसा से कितने वर्ष पहले हुए? 57 वर्ष पहले हुए। कौन? महाराजा विक्रमादित्य 57 वर्ष पहले हुए। आपने विक्रम बेताल की कथा सुनी होगी, राइट। विक्रम की जिस दिन मृत्यु हुई, देवलोक उन्होंने गमन किया, उस दिन को एक काउंट किया गया, और ये 57 वर्ष पहले देवलोक चले गए थे, किससे? महात्मा ईसा से। इसलिए विक्रम संवत 57 अगर जोड़ दोगे आप ईसवी सन में, तो आपके सामने विक्रम संवत आकर के खड़ा हो जाएगा, और इस समय विक्रम संवत चल रहा है 2080, यानी हम समय के मामले में अंग्रेजों से बहुत आगे हैं। महाराजा विक्रमादित्य के बाद भारत में शक संवत चला, जो कि कनिष्क कुषाण वंशीय गुर्जर के द्वारा संचालित किया गया, और ये भी इसी वंश में आते हैं। प्रिय साथियों, क्या महात्मा ईसा से पहले दुनिया नहीं थी? थी, बहुत अच्छी दुनिया थी। तो जो पहले वाली दुनिया है महात्मा ईसा से, इधर वाली जो रेखा है, यहाँ से लेकर यहाँ वाली जो रेखा है, ये ईसवी पूर्व कहलाती है, यानी ईसा से पहले, बिफोर ऑफ द क्राइस्ट। बिफोर ऑफ द क्राइस्ट का मतलब है महात्मा ईसा से पहले, और ये ईसवी सन है और ये ईसवी पूर्व है। अगर आप ईसवी पूर्व में जाएंगे तो भारत का इतिहास काफ़ी समृद्ध रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, भाषा पर बाद में बातचीत करेंगे। महात्मा ईसा से 57 वर्ष पहले महाराजा विक्रमादित्य हुए, और महात्मा ईसा से 200 वर्ष पूर्व है, यानी यहाँ ईसवी पूर्व आ जाएगा, 200 वर्ष पूर्व है आचार्य भरत मुनि हुए। कौन हुए? आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, अर्थात नाट्य शास्त्र के रचनाकार, अर्थात नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि महात्मा ईसा से भी 200 वर्ष पहले हुए थे, अर्थात आज से 2200 वर्ष पहले भरत मुनि भारत की पावन धरा पर चहलकदमी कर रहे थे। तो इससे महात्मा ईसा से पहले भारत का एक शानदार गौरवपूर्ण भविष्य रहा है। और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तो महात्मा ईसा से और 322 ईस्वी पूर्व, 322 ईस्वी पूर्व यूनान में अरस्तु का जन्म हुआ था। 322 ईस्वी पूर्व मृत्यु हुई, 384 ईस्वी पूर्व यूनान में ईस्वी पूर्व, अर्थात आज से 2400 साल पहले। सर, 2400 कैसे हुआ? 384 प्लस 2023, यानी 2400 साल पहले यूनान की धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा अफलातून अरस्तु चहलकदमी कर रहा था।
अरस्तु की मृत्यु 322 ईस्वी पूर्व हुई। अब उल्टा नज़दीक आओगे ना, इस ड्राफ्ट के नज़दीक आओगे तो वर्ष कम हो जाएंगे। 384 ईस्वी पूर्व पैदा हुआ, अब यहाँ आप ईस्वी सन के नज़दीक आते जा रहे हो, इसलिए 322 ईस्वी पूर्व उनका देहांत हुआ। आपको बताना चाहूँगा कि अरस्तु विश्व विजेता सिकंदर का गुरु है, और जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व, तब अरस्तु जिंदा थे और भारत आए थे। कौन? अरस्तु। और उसके 4 साल बाद उनकी मृत्यु हुई, यानी 326 ईस्वी पूर्व भारत पर यहाँ आक्रमण हुआ सिकंदर के द्वारा, और उसके भी 4 साल बाद में ये नज़दीक आता जा रहा है ड्राफ्ट, यहाँ पर उनकी मृत्यु 322 ईस्वी पूर्व हुई। 417 ईस्वी पूर्व अरस्तु के गुरु प्लेटो का जन्म हुआ था, जो कि सुकुरात का शिष्य था। किसका शिष्य था? सुकुरात का शिष्य था। मैं समझता हूँ कि आप इस टॉपिक में कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और आपको ये पता चलेगा कि 2200 साल पहले भरत मुनि हुए, और महाराजा विक्रमादित्य आज से 2080 वर्ष पूर्व हुए। और आपको बताना चाहूँगा, तकरीबन वही 2450 वर्ष पहले यहाँ पर प्लेटो हुए, और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकुरात। तो ये शिष्य परंपरा यूनान की है, सुकुरात का शिष्य प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य विश्व विजेता सिकंदर। सिकंदर जो नाम है वह भारत के लोग पढ़ते हैं, उसका वास्तविक नाम है अलेक्जेंडर, उसका वास्तविक नाम है अलेक्जेंडर, जिसको कुछ लोगों ने सिकंदर बोलना शुरू कर दिया। अलेक्जेंडर बोलने में दिक्कत होती है, उनके पिता का नाम फिलिप्स था, तो फिलिप्स के राजगुरु प्लेटो रहे, फिलिप्स के राजगुरु प्लेटो रहे, फिर फिलिप्स की अचानक मृत्यु हो गई, तो कम उम्र में उनका बेटा अलेक्जेंडर गद्दी पर बैठा, और प्लेटो ने कहा कि कवियों को तड़ी पार कर दो, लेकिन सिकंदर ने यानी अलेक्जेंडर ने कवियों को तड़ी पार नहीं किया, और प्लेटो का प्रमुख शिष्य अरस्तु भी इस बात को लेकर अपने गुरु से बहस करने लगा, और अरस्तु अपने गुरु प्लेटो से कहने लगा, जो हमें ईश्वर नहीं दे सकता वो हमें कवि दे देता है, इसलिए हम कवियों को तड़ी पार नहीं करेंगे। और इस बात से पराजित हुआ प्लेटो, और अपने राजगुरु का राज मुकुट अपने परम शिष्य अरस्तु के सिर पर रख दिया, और इस प्रकार अरस्तु किसके गुरु बन गए? विश्व विजेता सिकंदर के गुरु कहलाए। यानी ये सारी चीज़ें ईस्वी पूर्व की तरफ मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपसे दूसरी बात कर लूँ, यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ, आप तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठा करें इस ड्राफ्ट में, ओके। अब इसको एक बार इरेज में कर रहा हूँ, जी सर। अब मैं भाषिक तौर पर आपको पीछे ले जाऊँगा, अभी हम ईसवी सन के आगे की बात ही नहीं कर रहे, हम ईसा से पहले की बातों पर केंद्रित हैं। प्रिय साथियों, आपने पढ़ा 563 ईसवी पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो 563 का मतलब है आज से 2600 साल पहले हुआ, कितने? 563 प्लस 2023, यानी 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, और जिस वृक्ष के नीचे उन्हें बोधिसत्व की प्राप्ति हुई वो वृक्ष आज भी हरा भरा है, उसको हेरिटेज घोषित किया गया है, और C14 के द्वारा उसकी जांच की गई है, कार्बन-14 के द्वारा वो पता चल गया कि ये पेड़ तकरीबन 2800 वर्ष पुराना है, ओके। तो ये सारी बातें प्रमाणित हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने संदेश तत्कालीन लोक भाषा पाली में दिए थे, महात्मा बुद्ध ने अपने संदेश तत्कालीन लोक भाषा पाली में दिए थे। तो महात्मा ईसा से भी 500 वर्ष पहले भारत की भाषा पाली रही है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपने संदेश तत्कालीन पाली भाषा में दिए, और पाली भाषा का जो समय शुरू होता है क्लाइमैक्स, वो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के यहाँ पर हम 0 ईस्वी तक आ गए, कौन सी ईस्वी तक, या 1 ईस्वी मान लें, और वैसे 0 ईस्वी तक। तो पाली जो है वो 500 वर्ष तक चली, 500 ईस्वी पूर्व से
जीरो ईस्वी तक, यानी महात्मा ईसा को जब सूली पर लटकाया गया उसके आसपास पाली भाषा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और एक नई भाषा का उदय होता है प्राकृत का। जब महात्मा एक ईस्वी शुरू होती है, एक ईस्वी से 500 ईस्वी तक, तो ये भी 500 ईस्वी, यहाँ पर हमें तक लगाना पड़ेगा, एक ईस्वी से 500 ईस्वी तक भारत की भाषा प्राकृत रही है, ठीक है। प्राकृत से पहले पाली, अब हम बैक साइड में आगे बढ़ेंगे, सर बैक साइड में आगे बढ़िएगा, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, 1500 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व जाएंगे तो भी वही बात होगी, क्योंकि भाषा में बदलाव एक लंबे अरसे के बाद होता है। 1500 ईस्वी पूर्व, अब आप इसके मायने समझेंगे, 1500 ईस्वी पूर्व का मतलब है आज से 3500 साल पहले। सर 1500 ईस्वी पूर्व का मतलब 3500 साल पहले कैसे पैदा हो गया? ईसा से 1500 साल पहले, जी सर, और ईसा की मृत्यु हुए हो गया 2023, तो 2023 प्लस 1500 बराबर 3500 वर्ष पहले भारत की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। भारत की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, और इसी भाषा में वेद लिखे गए, इसीलिए इसका दूसरा नाम, प्रिय साथियों, इसी भाषा में वेद लिखे गए इसीलिए इसका दूसरा नाम वैदिक संस्कृत है, राइट। कोष्ठक में मैंने लिखा है लौकिक संस्कृत, इसको समझने की चेष्टा करेंगे। 800 ईस्वी पूर्व संस्कृत में एक बदलाव आया, 800 ईस्वी पूर्व संस्कृत में एक बदलाव आया, ईसा से भी 800 साल पहले, और 300 वर्ष तक ये बदलाव रहा। 300 वर्ष तक संस्कृत का बदला हुआ रूप भारत की भाषा रही, जिसे हम लौकिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। पुराने वाली संस्कृत को हम वैदिक संस्कृत के नाम से जानते हैं, और उसी संस्कृत के उत्तरकालीन रूप को हम लौकिक संस्कृत के नाम से अभिहित करते हैं। पर आपको याद रहे, इसका टाइमिंग 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, यानी ये 300 वर्ष चली, लौकिक संस्कृत 300 वर्ष चली, और इसी लौकिक संस्कृत का पाणिनि ने व्याकरण लिखा था। पाणिनि ने जो संस्कृत का व्याकरण लिखा है वो वैदिक संस्कृत का नहीं, अपितु लौकिक संस्कृत का, पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है वो लौकिक संस्कृत की लिखी है। तो 1500 ईस्वी पूर्व भारत की भाषा संस्कृत, फिर 800 ईस्वी पूर्व संस्कृत का उत्तरकालीन रूप जिसे लौकिक संस्कृत कहा, ये रहा। यहाँ पर 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक भारत की भाषा पाली रही। तो ये पिछले, यहाँ पर आप देखिए 1500 वर्ष का इतिहास है, यहाँ पर हम जो इतिहास पढ़ेंगे भाषा का वो 2000 वर्ष का इतिहास पढ़ेंगे। अब और खास बात मैं आपसे कर लेता हूँ, प्रिय साथियों, महात्मा ईसा से 3125 वर्ष पूर्व है, यानी ईस्वी पूर्व, महात्मा ईसा से 3125 वर्ष पूर्व है, भगवान कृष्ण का रात को 12:05 पर अष्टमी के दिन जन्म हुआ, इसलिए उसको जन्माष्टमी कहते हैं। अमेरिकन सॉफ्टवेयर ने इसकी गिनती भी कर दी है कि भगवान कृष्ण का जन्म आज से 5100 साल पहले हुआ। सर आप तो कह रहे हो 3100 वर्ष पहले हुआ, तो 3100 तो यहाँ तक हो गए, और ईस्वी सन के ये रहे आपके 2023, अस्तु 3000 प्लस 2000 यानी 3100 प्लस 2000, आज से 5100 साल पहले भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। उन्होंने गीता ज्ञान उसी वैदिक संस्कृत में ही दिया था, तो उस समय भी भारत की भाषा, इससे पहले भारत की भाषा संस्कृत ही रही है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 5100 ईस्वी पूर्व,
अर्थात आज से 7000 साल पहले। सर सात कैसे हो गया? महात्मा ईसा से 5100 वर्ष पहले और 2000 वर्ष ये, 7000 वर्ष पहले नौमी को दिन में 12:05 पर राम का जन्म हुआ और राम नौमी। ठीक है प्रिय साथियों, राम और कृष्ण अवतार में 2000 वर्ष का अंतर है, यानी भगवान राम विष्णु के जो अवतार हैं उनके 2000 साल बाद विष्णु अपने पूर्ण रूप में 16 कला अवतार में भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। राम 14 कला अवतार हैं, पूर्ण ब्रह्म नहीं हैं। दो कलाएं वो जानबूझ के छोड़ के आए थे, छल कपट और रास लीला नहीं की। ये दो लीलाएं भगवान कृष्ण के लिए जरूरी थी, इसलिए भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं और 16 लीला कलाओं में अवतार लिया। भगवान राम स्वयं विष्णु हैं, 14 कला अवतार हैं और परम सत्य हैं। कौन? राम। ठीक है, ये पूरा ड्राफ्ट मैंने आपको पढ़ाया। तो भाषिक स्वरूप कहाँ से शुरू होता है? संस्कृत से। इसे हम वैदिक संस्कृत भी कह सकते हैं। संस्कृत का जो दूसरा रूप है उत्तरकालीन, वह लौकिक संस्कृत है। ठीक है, कौन सी संस्कृत है? लौकिक। इसलिए मैंने इसको कोष्ठक में लिखा है क्योंकि ये संस्कृत का उत्तरकालीन रूप है। इसके बाद सही अनुक्रम, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम। इसके बाद पाली 500 वर्षों तक चली। इसके बाद प्राकृत, ये भी 500 वर्ष तक चली। इसके बाद अपभ्रंश, यह भी 500 वर्षों तक चली। लेकिन सर, लेकिन क्या? जिस प्रकार संस्कृत का उत्तरकालीन रूप, जिस प्रकार संस्कृत का उत्तरकालीन रूप लौकिक संस्कृत कहलाता है, उसी प्रकार अपभ्रंश का उत्तरकालीन रूप अवट कहलाता है। इसलिए अपभ्रंश का जो उत्तरकालीन रूप है वह अवहट कहलाता है। और यहाँ पर मैं तीर का निशान फिर लगाऊंगा और इसके बाद 1000 ईस्वी में आपकी हिंदी शुरू हो जाती है। प्रिय साथियों, इसी अनुक्रम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कई कई बार अवहट नहीं आता, आता तो आपको अपभ्रंश ही करना है। लौकिक संस्कृत बीच में नहीं आता तो आपको केवल संस्कृत ही करना है। तो हिंदी भाषा का सही विकास क्रम है संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंश का उत्तरकालीन रूप अवट, और अवट के बाद हिंदी। तो अवट या अपभ्रंश कब तक रही? 1000 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी तक यानी 500 वर्ष चली। अपभ्रंश भी कितने वर्ष चली? 500 वर्ष। ठीक है सर, प्राकृत भी कितने वर्ष चली? 500 वर्ष। पाली भी कितने वर्ष चली? 500 वर्ष। लौकिक संस्कृत 300 वर्ष। और संस्कृत, आप इसको संस्कृत को 1000 वर्ष भी कह सकते हैं। अगर ये 800 तक आएंगे तो यहाँ पर आप 700 वर्ष वैदिक संस्कृत के, और इससे पहले की भी जो संस्कृत है कृष्णावतार के समय और रामावतार के समय, वो भी संस्कृत ही है। राइट नाउ? राइट सर। अब मैं ईसवी सन के बाद की बात करूँगा, जब महात्मा ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया उसके बाद भारत की भाषा क्या रही और उस समय क्या थी। जब महात्मा ईसा को सूली पर चढ़ाया गया उस दिन को एक काउंट किया गया और एक से लेकर के 500 ईस्वी तक भारत की भाषा प्राकृत रही। ठीक है, प्राकृत के बाद 500 ईस्वी या 501 ईस्वी से अपभ्रंश की शुरुआत हुई। और अपभ्रंश के 8 रूप हैं और इन 8 रूपों से आधुनिक 24 आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। इसलिए आधुनिक आर्य 24 भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है, अवट 700
यानी यहाँ 1000 ईस्वी तक अभ्रंश है, 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक अभ्रंश है, लेकिन 750 के आसपास आते आते 750 के आसपास आते आते अभ्रंश का रूप भी बदल गया। अभ्रंश का ये बदला हुआ रूप अवट कहलाता है, लेकिन ये रूप बदला 750 ईस्वी के आसपास, यानी 250 वर्ष तक अपनी भाषा अवट रही, जिसे आप अभ्रंश भी कह सकते हैं। अगर आप माइक्रो तौर पर मुझसे पूछना चाहते हैं तो 769 ईस्वी में जो सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि घोषित किया गया, वहाँ से अवट भाषा की शुरुआत होती है। इसी अवट को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहकर पुकारा है, इसी अवट को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहकर के पुकारा है, और अन्य भाषा वैज्ञानिकों ने उसे उत्तर अपकालीन अभ्रंश या उत्तर अभ्रंश का नाम भी दिया है। और इसको अवट कहने वाले, अभ्रंश को अवट कहने वाले बूंदी के साहित्यकार रहे हैं, जो कि राजस्थान के हैं। और प्रिय साथियों, 1000 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक आ जाओ, 1000 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक आपकी भाषा हिंदी, यानी हिंदी ने अपने 1000 वर्ष पूरे कर लिए। अगर आप मुझसे माइक्रो तौर पर पूछना चाहते हो तो 993 ईस्वी से हिंदी की शुरुआत होती है। अगर 993 ईस्वी में आप 50 जोड़ेंगे तो संवत 1050 आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। मोटे तौर पर आप बातचीत करना चाहेंगे तो 1000 ईस्वी से अब तक का जो समय है, 1000 वर्ष का जो समय है, वो हिंदी का समय है। अस्तु, हिंदी भाषा के विकास का जो सही अनुक्रम है, हिंदी भाषा के विकास का जो सही फ्रेज है, अनुक्रम है, वो इस प्रकार है। संस्कृत, उसका उत्तरकालीन रूप लौकिक संस्कृत, संस्कृत का समय 1500 ईस्वी पूर्व है, लौकिक संस्कृत का 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, फिर पाली 500 वर्ष तक चली, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, फिर प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, फिर अभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अभ्रंश का उत्तरकालीन रूप अवट, 500 वर्षीय अभ्रंश चली। अपभ्रंश के बहुत सारे प्रकार हैं, और अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से आधुनिक 24 आर्य भाषाओं का जन्म हुआ, जिसमें 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। इसके बाद 1000 ईस्वी से सन 2000 या अब तक आपकी भाषा हिंदी है, और इसी हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा 8वीं अनुसूची राजभाषा अध्याय 17वें में 14 सितंबर 1949 को इसी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और इस हिंदी का विकास सौरसेनी अभ्रंश से हुआ। सौरसेनी अभ्रंश सूरवीरु के पुत्रों की भाषा को सौरसेनी कहा जाता है। राइट नाउ, अब हम बहरहाल किस पर पहुंच चुके हैं, केवल किस पर पहुंचे हैं, हिंदी पर पहुंचे हैं, हिंदी। अब हिंदी चूंकि 1000 साल की हो गई, हिंदी भी कितने साल की हो गई, 1000 साल की हो गई। इस 1000 साल के दरमियान, इस 1000 साल के दरमियान हिंदी ने बहुत सारे पड़ाव देखे। सन 1000 से लेकर 2023 तक कह दो, या सन 1000 से लेकर सन 2000 तक हिंदी भाषा ने अनेक उतार चढ़ाव देखे, अनेक साहित्यिक रूप देखे, और वो 1000 साल का जो इतिहास है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है। लेकिन हम चूंकि हिंदी भाषा के विकास का इतिहास पढ़ रहे हैं, हम चूंकि किसके विकास का इतिहास पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा के विकास का इतिहास पढ़ रहे हैं, अब हमारे सामने आ चुकी है कौन, हिंदी आ गई। प्रिय साथियों, कौन आ गई, हिंदी आ गई। अब हिंदी चूंकि 1000 वर्ष की हो चुकी है, तो प्रिय साथियों, हाँ सर, आगे वाली जो अपनी क्लास होगी उसमें हम चूंकि हिंदी तक आ गए, स्टेप बाय स्टेप हम जिस सीढ़ी पर आ गए उससे अगली सीढ़ी पर चढ़ेंगे, और हम सीढ़ी पर ही नहीं, हम छत पर आ गए, अब हम छत का अवलोकन करेंगे।
सीढ़ियाँ हमने पार कर ली, सर छत पर कैसे आ गए, हमें हिंदी तक आना था, हिंदी तक अब हम आ गए, अब हम छत पर आ गए, अब छत से हम इस बात का अवगाहन करेंगे, इस बात का अवलोकन करेंगे कि पिछले 1000 साल के दरमियान हिंदी भाषा के विकास कितने पड़ाव में जाकर 14 सितंबर को राजभाषा बनती है। तो हिंदी जो है आगे अपने 3 पड़ाव पार करती है, कितने पड़ाव पार करेगी, 3 पड़ाव पार करेगी 1000 सालों के इतिहास में। तो प्रिय साथियों, आगे वाली क्लास में इसी क्लास को आप जोड़ते हुए आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आगे वाली जो क्लास होगी वो हिंदी के 1000 साल के ऊपर थोड़ी थोड़ी बातचीत हम करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आपने क्लास को ठीक से अधिगम किया होगा और आपने अपने मनोयोगों को एक जगह केंद्रित किया होगा, पूर्णतः योग के साथ आपने इस कक्षा को पढ़ा होगा, समीक्षा की होगी और ठीक से आपको ये इस ज्ञान का अधिगम और अनुसयुति हुई होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं डॉक्टर साहिल गुर्जर आपसे इस बात की गुजारिश करता हूँ कि आप तथ्यात्मक सत्य को ग्रहण करेंगे, और मैंने राजनीतिक इतिहास भी और आपको पौराणिक बात भी, भाषिक बात भी, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात भी मैंने समझाया, मैंने आपको विक्रमादित्य के बारे में बातचीत की, विक्रमादित्य बेताल की कथा, इसके बाद हमने भरत मुनि की भी बातचीत की। भरत मुनि आज से 2200 साल पहले नाट्य शास्त्र लिखे गए थे, जिसमें उन्होंने सूत्र दिया था विभावानुभावा वेभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, विभावानुभावा वेभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, यह रस सूत्र आज से 2200 साल पहले दिया था, यानी तब महात्मा ईसा पैदा भी नहीं हुए थे। महात्मा ईसा से 200 वर्ष पूर्व भरत मुनि हुए, महात्मा ईसा से 57 वर्ष पूर्व है महाराजा विक्रमादित्य हुए, विक्रम बेताल, और इसी प्रकार आज हमारा जो विक्रम संवत है वो 2080 चल रहा है, यानी समय के मामले में हम अंग्रेजों से काफ़ी आगे हैं। ये तो वक्त की फितरत है कि आज पश्चिम के देश कुछ मायनों में आपसे आगे हो गए, ये एक विलग बातचीत है। दैट्स ऑल, जय हिंद जय भारत, आगे वाली क्लास में इसी अनुक्रम को जोड़कर पढ़ना है, हिंदी के 1000 साल के बारे में हम आगे वाली क्लास में बातचीत करेंगे। और ये जो फ्रेजोलॉजी आपको दिखाई है, इस फ्रेजोलॉजी को आप इसी अनुक्रम में याद भी रखेंगे। ओके दोस्तों, ओके सर।